अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन एलईडी। दोस्तों आज ये मेरे पास सेट है चाइना का पांडा एलईडी टीवी है 32 इंच का। तो इसमें फॉल्ट आपके सामने है, ये बर्निंग मोड में है, जैसा कि हम इसको बोलते हैं बर्निंग मोड बोलते हैं। तो ठीक है, ये बर्निंग मोड में है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी कलर जो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो एलईडी इंडिकेटर है वो भी साथ साथ ब्लिंक करता है। ठीक है, जैसे ये कलर चेंज होते हैं साथ में इसका इंडिकेटर भी ब्लिंक करता है। तो अगर हम रिमोट की बात करें तो यहाँ पे रिमोट आप कोई भी की इसको प्रेस करेंगे तो कोई भी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ना ये पावर्ड ऑफ होगा, ना स्टैंड बाई मोड में यानी कि जाएगा, कोई भी की इसमें यहाँ पर वर्क नहीं करती। ठीक है, ये इस तरह का ये फॉल्ट होता है, बर्निंग मोड का ये फॉल्ट है। ठीक है, इसमें मोड की कोई भी की वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो जैसा अगर हम पावर यहाँ से इसकी की है, स्टैंड बाई का एक बटन है। ठीक है, स्टैंड बाई है, सोर्स है, मेन्यू है, सारे आप की पैड यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर हम स्टैंड बाई के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक करती जाएगी, लेकिन सेट हमारा ऑफ भी नहीं होगा और ना ये हमारा बर्निंग मोड का ऑप्शन जो है वो खत्म होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आज आपको तीन तरीके बताने वाला हूं इस तरह की सिचुएशन को कवर कैसे किया जाता है। मसलन सबसे पहला तरीका तो ये है जो कि मैं अभी करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप अगर इस तरह कुछ सेट ऐसे हैं कि उसमें अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप रिमोट से एग्जिट का बटन बार बार प्रेस करेंगे तो कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसका वो बर्निंग मोड जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रेस एग्जिट रिमोट से एग्जिट का बटन बार बार प्रेस करने से ये कुछ सेट में से ये बर्निंग मोड का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका सेट नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसके अलावा एक तरीका वो है, इसके अलावा फ़र्ज़ करें अगर आपका सेट फिर भी नहीं, आपके रिमोट से अगर आप इसकी की को प्रेस करते हैं तो इसका इंडिकेटर भी कवर करेगा तो फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा, बर्निंग मोड से वापस नहीं जा रहा सेट, तो आपको ये अगर आपके पैनल की के ऊपर यहाँ पे सोर्स का बटन है, ये सोर्स का बटन है, तो अगर आपके पास सोर्स का बटन है तो आप सेट को ऑफ करें, पहले उसकी पावर निकालें, पावर निकालने के बाद आप सोर्स का बटन प्रेस करें साथ ही पावर देने, तकरीबन 5 सेकंड के लिए होता है, 5 सेकंड के लिए आप प्रेस करके रखें तो इस तरह से भी वो भी चला जाता है। ठीक है, बर्निंग मोड जो है वो खत्म हो जाएगा, आपका सेट नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन वो है जो अभी मैं करने वाला हूँ, वो पावर वाला बटन यूज करके मैं करूँगा इसमें क्योंकि रिमोट से कोई भी अगर आप इसका आईआर वर्क करेगा लेकिन इसकी लाइट भी ब्लिंक करेगी रिमोट के साथ, लेकिन इसका जो ऑप्शन है ये बर्निंग मोड वाला ऑप्शन है ये वापस नहीं जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। तो अब हम करेंगे क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ पे मैं इसको कई बार प्रेस कर चुका हूँ, ये मैंने ओपन किया हुआ है इसको, तो ये जो इसका की पैड का जो जैक लगा हुआ है ये वर्क नहीं करता इसके ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे वर्क नहीं करता, ये आईआर के लिए, रिमोट के लिए, सेंसर के लिए, ये दो जो हैं वो कीबोर्ड के लिए। तो मैंने कई बार प्रेस करके चेक किया इसको बटन को, पावर वाले बटन को, तो वो वर्क नहीं करता। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, मसलन मैंने ये सेट को ऑफ कर दिया, अब दोबारा मैं इसको ऑन करता हूँ तो मैं पावर वाला बटन ये स्टैंड बाई का यूज़ करने लगा हूँ। ये मैंने प्रेस करके रखा तो इसका मोमेंट ये होता है कि 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखो तो ये आपका ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये बर्निंग मोड इसका खत्म नहीं हुआ, पहले इसका लोगो आता है, लोगो आने के बाद वो इसका बर्निंग मोड दोबारा से शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए हम करेंगे क्या, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये मैं सबसे पहले इसका जैक उतारूंगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई की वर्क नहीं करती इसके ऊपर, तो ये मैंने जैक इसका उतार दिया। ठीक है, इसमें 5, 6, 7 इसमें पिन है। ठीक है, 7 पिन जो है वर्क कर रही है इसके ऊपर,
तो मैं इसके ऊपर यूज करूंगा सिर्फ ये वाला, ये 5 पिन वाला, ठीक है, 6 पिन है इसमें, तो मैं ये यूज करने लगा हूँ। अगर आप सम टाइम ऐसा भी होता है कोई कोई नई भी की वर्क करती है इसके ऊपर, तो मैं इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने रिमूव कर दिया। बटन मैं पावर का ही यूज करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको पावर देने लगा हूँ, ये मैंने पावर दे दिया, तो सेट हमारा आप देख सकते हैं इस वक्त स्टैंड ऑन हो चुका है, ठीक है, ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। लेकिन वो साथ ही वो वही दोबारा से ये ऑप्शन इसका नहीं जा रहा, ठीक है, ये बर्निंग मोड इसका वापस नहीं जा रहा। तो आप करना क्या है, अभी मैं आपको पावर बटन का यूज करके दिखाने वाला हूँ। आप सेट को इसी तरह ऑन रहने दे, ऑन रहने के बाद सम टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ सेट ऐसे हैं आप इसका स्विच निकालें, स्विच निकालने के बाद आप इसको प्रेस करके रखें पावर बटन को और साथ ही स्विच इसको अनप्लग कर दें, तो जो ही सेट ऑन होगा तो आपका जो बर्निंग मोड का ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक कुछ सेट ऐसे हैं जैसे कि ये है, तो इसमें मैं पावर बटन को इस्तेमाल करने वाला हूँ, जैसा कि आपके सामने आप आप देख सकते हैं सेट हमारा ऑफ हो चुका है, ठीक है। इसको मैंने प्रेस किया तकरीबन 5 सेकंड के लिए, तो अब इसकी लाइट ये स्टैंड बाई मोड में चला गया, तो सेट हमारा इस वक्त ऑफ हो चुका है। अब दोबारा से हम रिमोट के साथ यहाँ से की से भी आप इसको प्रेस करें तो कोई मुश्किल, ये सेट हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये मैंने सेट को दोबारा से ऑन कर दिया। अब जब दोबारा से इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा जो फॉल्ट है जो अभी ये इसका लोगो आ गया, तो सेट हमारा नॉर्मल हालत में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तो सेट हमारा ऑन है।